सो हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 25 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। देखो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि भैया फाइनल ईयर का टाइम चल रहा है, ऐसे में मशीन लर्निंग से रिलेटेड कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए, या वेब डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए, या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए भी मैसेजेस आते हैं। तो हम बारी बारी से हर एक डोमेन में एंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की जो बारी है वो है डेटा साइंस की। तो मैंने खुद एक साल डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स पे, दो या तीन अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो मैंने उस प्रोजेक्ट को भी लिस्टेड किया है इस वीडियो में। और साथ ही 25 ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स आपको दूंगा जिसमें से आप किसी भी प्रोजेक्ट को आसानी से चूज कर सकते हो और अपनी टीम के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ ही मैं ये भी बताने वाला हूँ कि उसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सा आप यूज करेंगे, जैसे कि कितने टाइम में आप बना पाओगे, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखनी पड़ सकती है, और कहाँ पर आप जाके रिसर्च करेंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी प्लान किया है कि जिस भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड का लिंक आप तक भेज दिया जाए, ताकि आप आसानी से उसको डेवलप कर सकते हैं और अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में सबमिट भी कर सकते हैं। क्या होता है कि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं कई वीडियोज में बता चुका हूँ कि अगर आपके रिज्यूमे में अच्छा खासा दो या तीन प्रोजेक्ट्स नहीं लिखे हुए हैं, वो भी कॉलेज के, तो आगे जॉब पाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, क्योंकि प्रोजेक्ट ही आपका वो छोटा सा एक्सपीरियंस होता है जो शायद आपने कभी कॉलेज में किया था। उसके अलावा जज करने के लिए एचआर के पास कुछ भी नहीं होता, वो कैसे जज करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लगभग तो सारे हैं जिसकी वो इंटरव्यू करेंगे, लेकिन आपके पास यूनिक चीज़ क्या है और आपने क्या ऐसा यूनिक किया है जिसके अकॉर्डिंग आपको जज किया जा सके। इसलिए प्रोजेक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रोजेक्ट को चूज करिए, एक या दो आप कर सकते हैं इस वीडियो में 25 में से, तो आप कर ही सकते हैं, और अपने टीम के साथ जरूर बनाइएगा। देखिए, अकेला बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, रिसर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा टीम के साथ बनाइए तो टाइम कम लगेगा और रिसर्च आप ज़्यादा कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके लिए मैंने चूज किया है ना, वो है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस फॉर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। देखो, डेटा साइंस इसलिए आप इसमें यूज करोगे क्योंकि बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट्स होती है जो कब फेल होता है इसका कहना मुश्किल होता है। अब मान लीजिए किसी इंपॉर्टेंट दिन, जिस दिन सप्लाई ज़्यादा है, राइट, और उस दिन मशीन फेल हो गया, उस दिन इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करेंगे आप? उससे बेहतर यह है कि डेटा साइंस का एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो एनालिसिस कर पाए, पिछले कई सारे मॉडल्स पे, कई सारे डेटा सेट पे एक एनालाइज किया जा सके कि कौन सी मशीन का एक्सपायरी कब होती है, या कौन सा चीज़ कब फेल हो सकता है, उसके कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कितने उसमें जो हार्डवेयर लगे होते हैं वो कितने होते हैं, वो उसकी वैलिडिटी कब तक हो सकती है, या उसमें लास्ट प्रॉब्लम कब हुआ था। ऐसा करके डेटा सेट अवेलेबल है ऑलरेडी Kaggle.com पर, आप उसमें इक्विपमेंट का नाम डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका डेटा मिल जाएगा, और इस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं, जो फायदा होगा एन मौके पर, रन टाइम में जो है वो मशीन फेल नहीं होगा, उससे पहले उसको इंस्ट्रक्शन या फिर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मान लीजिए कोई मशीन 15 दिनों से लगातार काम कर रही है, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आपने डेटा साइंस से या एनालिसिस से बताया कि इसकी जो वैलिडिटी है इतना ही है, अब ये ख़राब हो सकता है। तो इसी तरह से कार में या कोई एरोप्लेन में देखोगे, कोई तरह की चीज़ें होती है तो एनालिसिस किया जाता है, राइट। तो ऐसे आप यूनिक चीज़ें डेवलप कर सकते हो, तो कॉलेज में सबमिट भी करोगे तो उनको लगेगा कोई अच्छी चीज़ों पे काम किया है। तो इसमें अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाइथन यूज़ कर सकते हो फॉर बैकएंड, टेंसरफ्लो यूज़ कर सकते हो, केराज यूज़ कर सकते हो, और साइकिट लर्न जैसे मॉडल को आप यूज़ कर सकते हो। और अगर टेक्निक्स की बात करें तो टाइम सीरीज एनालिसिस और अनोमली डिटेक्शन, तो आप गूगल करोगे तो और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। साथ ही अगर इसका सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिख दीजिएगा, हम इसका सोर्स कोड भेज देंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। देखो, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप लोन ले रहे हो, तो आपका जो क्रेडिट रिस्क है, मतलब आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री, हर एक चीज़ निकालने के लिए जो बैंक है वो बहुत पैसे खर्च करती है और बहुत इसके लिए टेक्निक्स बना के रखी है, ठीक है। तो आप क्लासिफिकेशन यूज करके ऐसा बना सकते हो लोन के लिए कि उसको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसका बैकग्राउंड पता कर सकते हो एंड ऑल। तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाइथन यूज कर सकते हो, आर यूज कर सकते हो, साइकिट लर्न यूज कर सकते हो, और लाइट जीबीएम करके एक मॉडल आता है जिससे आप आसानी से उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपके लिए चूज किया है वो है रोड लेन लाइन डिटेक्शन।
रोड लेन देखो कार में देखा होगा कि वो जो ऑटोमेटिक कार आती है ना ड्राइवरलेस, वो ऑटोमेटिक जो है रोड का जो लेन डिटेक्ट कर लेता है और वो अपने हिसाब से गाड़ी को चलाता है, राइट। तो इसी तरह से आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो जिसमें रोड के लेन को डिटेक्ट कर सके। देखो बहुत लोग को कम दिखाई देती है, राइट। तो ड्राइवर मान लीजिए वो कार ड्राइव कर रहा है तो उसको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कि आप जो है गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको राइट लेने की ज़रूरत है या फिर लेफ्ट लेने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा आप डेवलप कर सकते हो, राइट। इसके लिए भी डेटा सेट ऑलरेडी Kaggle.com पर अवेलेबल है। आप अगर कमेंट सेक्शन में उस इस प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे और बोलेंगे कि आपको डेटा सेट चाहिए तो मैं प्रॉपर डेटा सेट का लिंक भेज दूंगा, राइट। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं वो है पाइथन, ओपन सीवी, नंपाय, टेंसर फ्लो का यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है इमेज क्लासिफिकेशन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNNs का आप यूज करके इमेज क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि इमेज को क्लासिफाई करना, राइट। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, मान लीजिए बल्क में आपने इमेज दिया, आपके पास 2000-5000 इमेजेस हैं कोई चीज के और आप उसको क्लासिफाई करना चाहते हो 10-20-50 कैटेगरी में, वो निकाल के दे देगा जिससे क्या होता है कि मॉडलिंग करना आसान होता है। देखो हालांकि ये सब चीजें हम मैन्युअली करते थे, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स आते थे तो मैं मैन्युअली चीजों को करता था, लेकिन इसमें प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसा टूल्स बनाओ जहां पे हम पूरा का पूरा डेटा सेट दे दें और वो हमें क्लासिफाई करके दे दे, हमें मॉडल लिखने की जरूरत नहीं है, हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप पाइथन यूज कर सकते हो बैकएंड में और टेंसर फ्लो, केराज, ओपनसीवी ये सब फोटोज के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन। देखो कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन का मतलब आपको पता है और बहुत से लोग इसको बनाते भी हैं फाइनल ईयर में। अच्छा ये सबमिट भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि इसमें यूनिकनेस नहीं है, नहीं है, क्योंकि एट द एंड हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर रहा होता है या कोई बिजनेस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ रहा होता है। तो उसी तरह से चर्न प्रेडिक्शन जो होता है, तो जैसे कस्टमर होता है वो क्या खरीदना चाहता है, क्या वो खरीदना बंद कर दिया और उसको आप ऑफर भेज सके, कुछ इस तरह का आप चर्न प्रेडिक्शन बना सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ही लगेगा ऑफकोर्स। और टूल्स की अगर बात करें तो पाइथन, आर और साइकिल लर्न यूज कर सकते हैं। एक्जिप बूस्ट करके भी एक लाइब्रेरी आती है, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और ये इस दौरान आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है जनरेटिंग इमेज कैप्शंस। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम आप बिल्ड कर सकते हैं जो कैप्शन रेडी करके देगा। अच्छा, आप डीप लर्निंग का यूज कर सकते हैं इसके लिए, तो कैप्शन रेडी करके देगा कोई भी इमेज का, ठीक है। तो ये एक यूनिक हो सकता है, मान लीजिए अगर आपने देखा होगा तो जो किसी को कम दिखाई देता है फ़ोन में या फिर जिस जो ब्लाइंड है, तो ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, बस वो देख नहीं सकते, राइट। पर फ़ोन यूज़ करना या उसकी फंक्शनलिटी को यूज़ करने का हक तो उनको भी है ना। तो इमेज का कैप्शन अगर रेडी कर दिया जाए, मान लीजिए इमेज से क्लासिफाई कर लिया कि ये किस चीज़ की इमेज है, ठीक है, और उसको कैप्शन जनरेट कर दिया जाए डीप लर्निंग की मदद से, तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो इमेज मैं देख रहा हूँ या देखने में दिक्कत आ रही है, अच्छा अच्छा वो ये इस चीज़ की है। आप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पिछले प्रोजेक्ट में मैंने बताया, जो इमेज एक्सट्रैक्ट करने में मदद करेगा आपकी। फिर आनंद यूज कर सकते हो। और अगर टूल्स की बात करें तो पाइथन, टेंसर फ्लो, केरास, ओपनसीवी, NLT के बेसिकली टूल्स जो बेसिकली डेटा साइंस में यही 3-4 ऐसे होते हैं जो आप काफ़ी ज़्यादा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है सेंटीमेंट एनालिसिस ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट। ऐसे बहुत सारे लोग ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ट्विटर की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, जो नॉलेजेबल होते हैं। आप ऐसे कई सारे पोस्ट को ग्रैब करके ऐसा एक्सट्रैक्ट करके आप उस पर कुछ NLP वगैरह का यूज़ करके कुछ डिसीजन ले सकते हो, कुछ अच्छा खासा सेंटिमेंट निकाल सकते हो। और जो अगर हम टूल्स की बात करें तो सेम रहेगा, और टेक्निक्स की बात करें तो सेम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन यूज़ कर सकते हो। अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करें तो वो है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हो जो मुँह से बोले जाते हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, पर क्योंकि आप बना रहे हो ना, आप अपने कॉलेज के लिए बना रहे हो ना, आप अपने लेक्चरर के लिए बना सकते हो। देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हो, जो आपके लेक्चरर हैं अगर वो कुछ पढ़ा रहे हैं आपको, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है टेक्स्ट के फॉर्मेट में चाहिए, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो उस टेक्स्ट को लेगा और रन टाइम में उसका टेक्स्ट जनरेट कर देगा, राइट। और जो टेक्नोलॉजी है वो सेम रहने वाला है।
अगर नेक्स्ट हम बात करें तो रिकमेंडर सिस्टम फॉर ई कॉमर्स, जी हाँ, ऐसे रिकमेंडेशन सिस्टम आप बना सकते हो, बहुत इजी होता है। अगर इसका सोर्स कोड चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट सब बनाते हैं, लेकिन उसमें लोग बोलते हैं कि ई कॉमर्स की प्रोजेक्ट हमने बनाया वो आउटडेटेड हो गया या सबमिट नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें आपने रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं लगाया यूजिंग डेटा साइंस। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज हैं, scikit-learn का यूज़ कर सकते हो, TensorFlow का यूज़ कर सकते हो, आपके पास डेटा सेट अवेलेबल है kaggle.com पर, मैं उसका लिंक भेज दूंगा अगर आप इसका नाम लिखोगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज इफ यू नीड ओनली देन वी कैन प्रोवाइड द सोर्स कोड, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो अगर आप इस तरह का प्रोजेक्ट बनाते हो, उसके लिए रिकमेंडेशन सिस्टम बनाओ। अगर कोई बंदा कोई डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है कोई प्रोडक्ट का, तो इसका मतलब ये है कि उसमें इंटरेस्टेड है, और उससे रिलेटेड फिर प्रोडक्ट जो है उसको रिकमेंड करना स्टार्ट करो, जिससे क्या होगा कि उसको उसमें इंटरेस्ट आएगा, राइट, और उस तरह से वो खरीद भी सकता है। और अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब एप्लीकेशन यही सब काम तो करती है, आपको सजेस्ट करती है, आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो उस चीज़ को लेके ईमेल करती है, लाइक दैट। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है फ्रॉड डिटेक्शन इन ट्रांजेक्शन्स। जी हाँ, ट्रांजेक्शन्स में फ्रॉड को डिटेक्ट करना भी एक फाइनेंशियल बहुत बड़ी सोल्यूशन है, राइट। तो आप इसको पता कर सकते हो क्योंकि डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है kaggle.com पर, तो वहाँ से आप उसको निकाल सकते हो, क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हो कि विदाउट फ्रॉड वाला कौन है और फ्रॉड वाला कौन है, और कौन सा सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब एक प्रूफ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। फिर उसके बाद उसके जो ट्रांजेक्शन्स हैं पता चल जाएगा वो फ्रॉड है या क्या है, और टेक्नोलॉजी जो है सेम रहने वाला है। अगर हम स्टॉक मार्केट प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें तो ये काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इसके साथ साथ रिसर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हिस्टोरिकल स्टॉक डेटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास kaggle.com पर, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, इस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में इफ़ यू नीड। और उसमें से आप प्रेडिक्ट करोगे, राइट, प्राइस को प्रेडिक्ट करोगे। देखो, प्राइस हम वैसे मैनुअली प्रेडिक्ट करते हैं खुद से, लेकिन आप डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बनाओगे, आप लगभग 20-25 साल के डेटा को प्रेडिक्ट करोगे, तो उसमें आप एक्यूरेट लगभग 80-90% का जो है आप एक्यूरेसी में फाइंड कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है, या ये फिर जो भी है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप ये 100% निकाल के दे दोगे और मार्केट में बेचना शुरू कर दोगे, राइट। आप टेलीग्राम पे देखते हो ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर वो बताते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं सच है, वो आपके पैसे को लेने के लिए करते हैं या फिर आपसे कोई चीज़ें बेचते हैं, लाइक दैट। बट आप एक प्रोजेक्ट काइंड ऑफ बना सकते हो जिससे कि प्राइस को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, राइट, और सब चीज़ें सेम रहने वाली है। आप टाइम सीरीज फोरकास्ट करोगे, रिग्रेशन निकालोगे उसका, और टेक्नोलॉजी भी सेम पाइथन, पांडाज यूज़ कर सकते हो फॉर यू नो CSV वगैरह को यूज़ करने के लिए, scikit-learn यूज़ कर सकते हो, TensorFlow को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है डायबिटीज़ रेटिनोपैथी डिटेक्शन। जी हाँ, ये काइंड ऑफ बीमारी है, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब देखो, डिटेक्ट करने के लिए आप लोगों के पास जाओ या फिर कोई मशीन लेके जाओ, ये ज़रूरी तो नहीं। आप उसको इस वे में डिटेक्ट कर सकते हो कि उसका जो डेटा सेट आपके पास अवेलेबल है उसको आप यू नो वो करोगे, डेटा सेट को मॉडल बनाओगे, उसको लोड करोगे, ठीक है, आप उसको ट्रेन करोगे, फिर लोगों के जो कुछ पैरामीटर्स है कि ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, उस पैरामीटर को लेके आप डिटेक्टिफाई कर सकते हो कि उसको ये बीमारी है या नहीं है। तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो आप गूगल कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट को बना सकते हो। जी हाँ, फेक न्यूज़ डिटेक्शन इन द सेंस कि आपके पास बहुत सारी न्यूज़ आती है पर वो फेक है या सही है इसकी आपको कोई जानकारी नहीं होती है। तो ये प्रोजेक्ट मैंने खुद भी बनाया था एक क्लाइंट के लिए, आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो मैं भेज दूंगा, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। यू नो एक तो रिकमेंडेड लगा सकते हो न्यूज़ को, दूसरा फेक न्यूज़ डिटेक्शन, आप मान लीजिए कोई न्यूज़ का लिंक दे दीजिए और वो जो न्यूज़ है वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो किसी बड़े बड़े ABP न्यूज़ जैसे या आज तक न्यूज़ पे मैच करता है या नहीं, इसे एक्सट्रैक्ट करके आप इंटरनली बैकएंड में पता कर सकते हो और फ्रंट एंड में रिजल्ट भेज सकते हो कि न्यूज़ फेक है या क्या है। आप टेक्स्ट में ले सकते हो, कोई अगर डिस्क्रिप्शन डाल रहा है तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये फेक है या नहीं, कोई लिंक दे रहा है तो उसके URL पे जाके उसका डेटा स्क्रैप करके भी पता कर सकते हो ये फेक है या नहीं, और बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है, आप इसको जरूर बना सकते हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है स्पीच इमोशन रिकॉग्निशन। जी हाँ, इमोशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें लोग अलग अलग यू नो स्पीच पे इमोशन होते हैं, कोई खुश है या कैसा है, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो
तो इसके लिए अगर हम उसकी बात करें, टूल्स की बात करें, वो है पाइथन का आप यूज़ कर सकते हो बैकएंड में ऑफकोर्स, और लिब्रोसा, टेंसर फ्लो, केराज, यू नो इस तरह का टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी यूनिक आपके लिए रहने वाला है और ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। यू नो स्पीच से उसका इमोशन निकालना तो मेहनत लगता है थोड़ा सा, लेकिन डेटा सेट अवेलेबल है, मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो पर्सनैलिटी प्रेडिक्शन सिस्टम, पर्सनैलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हो लोगों का उसके कुछ कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है, उस क्या बोलता है, कैसा बोलता है, यू नो उसके इमोशंस पे चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। वो जो बोलेगा या जो, आप जो क्वेश्चन पूछोगे उसका जो आंसर करेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका पर्सनालिटी निकाल सकते हो। और टूल्स की बात करें तो पाइथन NLTK यूज़ कर सकते हो, इसके लिए हेल्प करेगा आपको scikit-learn, TensorFlow वगैरह यूज़ कर सकते हो। इसका डेटा सेट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, विल ट्राई टू सेंड यू। एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो लीफ डिजीज डिटेक्शन, जी हाँ, पत्तों का जो डिजीज़ डिटेक्ट करना है। अच्छा, ये आप कैसे कर सकते हो? अब डेटा सेट से ही यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पत्ते आप जमा करोगे उसमें आप रिसर्च करोगे, क्योंकि ऑलरेडी डेटा सेट अवेलेबल है kaggle.com पर, तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो और उसके लिए आप मॉडलिंग बना सकते हो, ठीक है। तो आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसके जो फीचर्स होते हैं, बेसिक फीचर्स होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, कितने लाइन्स आ गए पत्ते पर, लाइक दैट, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप एक लीफ डिजीज डिटेक्शन बना सकते हो। अगर इसका सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिख दीजिएगा, विल ट्राई टू गिव यू। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो चैटबॉट प्रोजेक्ट इन पाइथन। देखो, चैटबॉट आज के समय में हर एक वेबसाइट पर यूज किया जा रहा है। अगर कोई बैंकिंग की वेबसाइट देखें या फिर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट देखें, हर जगह लोग चैटबॉट को फिट कर रहे हैं। तो बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि वो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जनरेट कर देगा। बैकएंड में आप पाइथन, NLTK, वही टेंसर फ्लो वगैरह यूज़ कर सकते हो। डेटा सेट मैं भेज दूंगा अगर आपको चाहिए तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके कॉलेज के लिए आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज के डेटा सेट जितने भी अवेलेबल हैं, आप कॉलेज की वेबसाइट से ले लीजिए और उसका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से एक वो मॉडल क्रिएट कर लीजिए और अपने कॉलेज के लिए एक चैटबॉट बना दीजिए। तो कॉलेज में आपका नाम भी हो जाएगा और रिजेक्ट करने का कोई चांसेस ही नहीं है। बेहतर है UI आप बेहतर बनाइएगा, जितनी अच्छी UI होगी उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा सेलेक्ट होने का। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वह ड्राइवर ट्रांसेंसेंस डिटेक्शन। देखो, ये प्रोजेक्ट एक ऐसा है जिसमें हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ड्राइवर जो है वो सो रहा है या फिर क्या है, वो नींद में तो नहीं है, स्लीपी है, कैसा है। तो मशीन लर्निंग टेक्निक से आप इसका वो चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है। कैमरा से, जैसे एक बार अगर आपका प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है, वो वीडियो कैमरा से बनेगा, ठीक है। आप OpenCV वगैरह यूज करोगे कैमरा से, कैमरा ऑन करने के लिए। अगर आप सो रहे हो, स्लीपी मूड में आओगे, वो कुछ रिजल्ट देगा। अगर आप हंसते हंसते गाड़ी चला रहे हो तो वो कुछ रिजल्ट देगा। सही मूड में गाड़ी चला रहे हो तो आपके मूड को भी डिटेक्टिफाई करके आपका वो बता देगा कि आप कैसा हो, आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। और आउटपुट में जो भी आएगा हम उसको हार्डवेयर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप सॉफ्टवेयर तक ही बनाओ, पर उसमें बता दो फ्यूचर रेफरेंस ये है कि आप उसको हार्डवेयर में भी कनेक्ट कर सकते हो और उसको आप एक इंस्ट्रक्शन या फिर इंफॉर्मेशन दे सकते हो, कोई अलर्ट डाल सकते हो उसमें, राइट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करें तो वो हेल्थ केयर एनालिटिक्स फॉर डिजीज प्रेडिक्शन। देखो, डिजीज़ प्रेडिक्ट करने के लिए अमेरिका जैसे हॉस्पिटल्स में बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती है जो डिजीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं और वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप जल्दी हॉस्पिटल आइए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनालिसिस का वो चीज़ें लगी हुई है, तो आपकी जो पुरानी डिजीज़ हैं, कब हुआ था, कितने समय हुआ था, आप कब खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, आप कितना प्रोटीन इनटेक करते हैं, लाइक दैट, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना पैदल चलते हैं, कितना वॉक करते हैं, ये सारे चीज़ों को लेके आप उसको डिटेक्टिफाई कर सकते हो कि उसको डिजीज़ है या कौन सा है, राइट। तो ये बहुत ईजी प्रोजेक्ट है। kaggle.com डेटा सेट भी अवेलेबल है, मैं उसका लिंक भेज दूंगा अगर आपको चाहिए तो आप इसको बना सकते हो। जो डिजीज़, अब देखो इससे बड़ी प्रोजेक्ट क्या होगी जो बहुत बड़ा मानव का सॉल्यूशन, यू नो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि उसका डिजीज़ को प्रेडिक्ट कर रहा है कौन सा डिजीज़ हो सकता है और मतलब कैसा हो सकता है, राइट, क्या हो सकता है या कब हो सकता है। तो पेशेंट डेटा अवेलेबल है, आप उसको मॉडलिंग करोगे और नए पेशेंट पे या फिर नए लोगों का वो इन्फॉर्मेशन लेके आप उसको मॉडल को टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें वो है मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। देखो, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि नेटफ्लिक्स जैसे प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन हाँ, उसके लिए एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाओ जो लोगों के सेंटीमेंट पे, लोगों के यू नो प्रेफरेंसेस पे, लोगों के व्यूइंग हिस्ट्री पे, जो उसने देखा है उस पे वो आप उसको रिकमेंड कर सकोगे कि उसको कौन सी मूवी देखनी चाहिए, राइट। इसमें गंदी चीज़ों को हटा दोगे, अच्छी अच्छी मूवी रिकमेंड करोगे और उसका जो यू नो मन है कि हमें ऐसा कुछ चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मूवी सजेस्ट कर सकते हो। और
और इसके लिए जो आप टेक्निक यूज़ करोगे वो है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, हाइब्रिड मॉडल्स, ये सब कुछ आप गूगल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा एक टेक्निक्स है, इसके थ्रू आप अपना रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाइथन एक सरप्राइज करके भी आता है, गूगल करिए पता चलेगा। सर्किट लर्न आता है पांडास से, आप उसके यू नो फाइल के साथ इंटरफेयर कर सकते हो, टेंसर फ्लो आप यूज़ कर सकते हो, बहुत खतरनाक यू नो मॉडल है। तो ये सब आप यूज कर सकते हो, इसका सोर्स कोड चाहिए तो मैं वो भी भेज दूंगा, आपको हेल्प हो जाएगा शायद। कलर डिटेक्शन विथ पाइथन, कलर को डिटेक्ट करना, देखो बहुत इजी प्रोजेक्ट है पर कलर को डिटेक्टिफाई करना, जैसे रेनबो होता है उसमें कई सारे कलर्स होते हैं तो इमेजेस हैं उसमें कौन से कलर कहाँ पे है, लाइक दैट इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसमें फेस का कलर भी पता चल जाता है, ठीक है। ओपन सी वी फॉर वीडियो या फोटो के लिए आप यूज़ कर सकते हो, नंबर एंड पांडास मैट्रिक्स वगैरह कैलकुलेशन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और टेक्निक्स की बात करें तो कलर स्पेस कन्वर्जन भी आता है, जैसे आसानी से आप डिटेक्टिफाई कर सकते हो और इसको आप किसी अलग प्रोजेक्ट में फिट भी कर सकते हो, राइट। एक बार बनाना सीख लिया तो कंपनी में आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाला है, क्योंकि आप इसमें रिसर्च करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं आईपीएल मैच प्रिडिक्शन सिस्टम। देखो आगे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो इस प्रोजेक्ट में आप एक ऐसा मतलब यू नो डेवलप कर सकते हो मॉडल, जिससे कि आने वाले आईपीएल जैसे मैचेस में आइडेंटिफाई किया जा सके, राइट। तो ये डेटा प्री प्रोसेसिंग करोगे, क्योंकि आईपीएल मैच का जो है डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है गूगल पर, kegel.com पे, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड करके मैं लिंक भेज दूंगा अगर आपको नीड चाहिए तो वहाँ से आप लेके उसका यू नो डिटेक्ट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो 100% एक्यूरेसी तो नहीं आएगा, लेकिन ठीक है आप उसको डिटेक्ट जरूर कर सकते हो, चीजें एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे होता है एनालिसिस, जो आप कमेंट्री सुनोगे क्रिकेट की तो एनालिसिस करते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा होने की चांसेस है, वो काइंड ऑफ ऐसी तरह की मशीन लर्निंग यूज करके बनाते हैं। तो आप भी इसका बना सकते हो। टूल्स की बात करें तो पाइथन, पांडास, सर्किट लर्न, एक्जी बूस्ट, इन सब चीज़ों का टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हो। हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन खाली है आपके लिए। फॉरेस्ट फायर प्रेडिक्शन, देखो जंगल में आग लग जाती है किसी को पता नहीं चलता, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो आप ऐसा बंद तो नहीं कर सकते लेकिन उसको पता करने के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हो, क्योंकि इसका डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप उसको डेटा सेट को डाउनलोड करके मशीन लर्निंग का मॉडल आप लगा सकते हो। आप 100% तो नहीं पर आप एक उस मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप यू नो वेदर कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, हवा कैसी चल रही है, धूप कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप पिछले डेटा से मैनिपुलेट करके या मतलब यू नो हेल्प लेके रेफरेंस मान के आप पता कर सकते हो कि होने वाला है या नहीं फॉरेस्ट में आग लगेगी, या कैसा कब लगा था, क्या उस दिन वेदर कैसा था, इस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट अगर रेज्यूमे में अगर लिखा हो तो आपके पास डिस्कशन करने की चांसेस बढ़ जाती है, टाइमिंग बढ़ जाता है और आप अच्छे से डिस्कशन कर पाते हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें वो है हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन प्रोजेक्ट। जी हाँ, हैंड रिटन इन द सेंस कि हाथ से लिखे हुए चीज़ों को रिकॉग्नाइज कैसे किया जा सके, कैसा प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। इमेज प्रोसेसिंग का आप यूज़ कर सकते हो, CNN का यूज़ कर सकते हो, फीचर एक्सट्रैक्शन यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी हैंड राइटिंग होती है, डॉक्टर की हैंड राइटिंग तो समझ में नहीं आती है, पर उसके लिए आप एक दफ़ा कोशिश तो कर सकते हो। तो क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो कि इमरजेंसी में लोग डॉक्टर की हैंड राइटिंग भी पहचाना जा सके, उसके लिए आप कुछ कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। टेंशन मत लीजिए, लास्ट में मैंने बताया है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थ्रू आउट प्रोजेक्ट यूज हुआ है, तो वो भी आपको आइडिया लग जाएगा, आप लिख सकते हो क्योंकि किस चीज़ में आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वह है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट प्राइजिंग प्रेडिक्शन। देखो हॉस्पिटल में लाखों की बिल्स आते हैं जो कि पहले बताया नहीं जाता, ठीक है। तो उसके जो डेटा सेट्स हैं ऑलरेडी गूगल पर अवेलेबल है, मेडिकल हिस्ट्री है, मान लीजिए जिस प्रोजेक्ट में जा रहे हो जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो उसकी मेडिकल हिस्ट्री लिया आपने, ट्रीटमेंट डिटेल्स लिया और डेमोग्राफिक्स लिया पेशेंट का सब कुछ, और उसके बाद आप यू नो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका कितना बिल आएगा। और ये अच्छा है क्योंकि लास्ट में जब लोगों को पेशेंट के फैमिली को पता चलता है कि इतना का बिल आया तो वो भी पेशेंट बन जाते हैं क्योंकि इतना पैसा का बिल आता है। तो इससे बेहतर पहले आइडेंटिफाई किया जा सके, उसके लिए डेटा सेट अवेलेबल है और उस प्रॉपर हॉस्पिटल का मेडिकल हिस्ट्री लगा के कर सकते हो। हालांकि ये मेडिकल वालों के लिए भी बेस्ट है, हॉस्पिटल वालों के लिए भी बेस्ट है, रिसेप्शन में सोचना नहीं पड़ेगा, वो पहले ही यू नो फास्ट फॉरवर्ड रहेंगे कि इतना तो आएगा, राइट। तो लगभग अप्रॉक्स तो दोनों के लिए बेनिफिट है। ये हमारा 25वां प्रोजेक्ट था, 25th प्रोजेक्ट।
अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, हम जल्द से जल्द उसका सोर्स कोड भेजने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर टेक्नोलॉजी की बात करें कि डेटा साइंस के लिए या फिर जो 25 प्रोजेक्ट हमने बताए हैं उसमें बेसिकली जो यूज हो सकता है आपके लिए, जिसको रिसर्च करने की ज़रूरत है, आप टीम मेंबर में यू नो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कौन पाइथन पे काम करेगा, कौन टेंसर फ्लो सीखेगा, कौन केरास सीखेगा, कौन साइकिटलर्न सीखेगा, कौन आर सीखेगा, किसको एनएलटीके सीखने की ज़रूरत है, कौन स्पाइसआई सीखने की ज़रूरत है, कौन सरप्राइज सीखेगा, कौन ओपन सी भी बहुत बेस्ट है, आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा, आपके रिज्यूमे में लिखा रहेगा तो आपको जॉब मिलने की चांसेस भी होगी। कौन एक्जीबूस्ट सीखेगा, कौन लाइट जीबीएम सीखेगा, पाई ऑडियो सीखने की ज़रूरत है कहीं पर, ताकि वो ऑडियो में यू नो आउटपुट जनरेट कर सके या फिर इनपुट भी ले सके। पांडा सीख लीजिए, पूरी लाइफ टाइम आपको मदद करने वाला है, ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं। डी लाइब्रेरी सीख लीजिए, लिब्रोसा सीख लीजिए, रासा सीख लीजिए, ये सब थ्रू आउट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर रेफरेंस की बात करें तो हमने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे बताए जो मैंने या मेरे दोस्तों ने कॉलेज में बनाए थे और सबमिट भी हुआ, और आज वो अच्छी जगह पर भी है बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कॉलेज में उसने बनाया, बिकॉज ऑफ देयर रेज्यूमे। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमने गूगल किए थे, जो अच्छा लगा, जो आपके लिए बेस्ट हो सकता था वो हमने आपको दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सोर्स कोड चाहिए तो जिस भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख दीजिए। साथ ही कोई तरह का हेल्प चाहिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो अपना डिटेल्स डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम उसका हेल्प कर देंगे। और साथ ही प्रोजेक्ट को यू नो रन करने में या फिर सेटअप करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो वो दिक्कत को भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका समाधान लेकर आप पर आपके पास ज़रूर आएंगे और हम जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।